नमस्कार, आप देख रहे हैं जुबी न्यूज। तो वक्त हो गया है सुबह की ताजा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। सरकार किसानों के बीच बातचीत में नया पेंच, एक संगठन का वार्ता में शामिल होने से इनकार। जी हां, नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच बातचीत होनी है। इससे पहले सरकार से बातचीत कर रहे 40 संगठनों में से एक किसान मजदूर संघर्ष समिति ने बड़ा ऐलान किया है। किसान मजदूर संघर्ष समिति ने सरकार द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया है। उसका कहना है कि सरकार के पास कोई ठोस एजेंडा नहीं है, साथ ही नए साल में संगठन अपने संघर्ष को और तेज करेगा। किसान मजदूर संघर्ष समिति के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष सतनाम सिंह, राज्य सचिव सरवन सिंह पंढेर और सविंदर सिंह चौटाला ने कहा कि नीति आयोग का बयान, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों के भाषण केवल नए कृषि कानूनों के औचित्य का बचाव करते हैं। सरकार ने बैठक के लिए कोई ठोस एजेंडा नहीं रखा है, इसलिए हमने बैठक में भाग नहीं लेने का फैसला किया है। किसान मजदूर संघर्ष समिति ने कहा कि सरकार विवादास्पद बयान दे रही है, जिससे पता चलता है कि सरकार की नीति और दिमाग दोनों खराब है। यदि सरकार किसानों के साथ बातचीत करना चाहती है तो उसे कानून को निरस्त करने की पद्धति के बारे में बात करनी चाहिए। SBI ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, 1 जनवरी से बड़े पेमेंट पर लागू होगा ये नियम। जी हां, देश का सबसे बड़ा बैंक यानी भारतीय स्टेट बैंक अगले महीने से चेक पेमेंट के लिए नया सिस्टम लागू करने जा रहा है। इस नए सिस्टम के तहत चेक के जरिए 50,000 रुपये से ज़्यादा का भुगतान करने के लिए कुछ ज़रूरी डिटेल्स को दोबारा कंफर्म करना होगा। इस सिस्टम को 1 जनवरी 2020 से लागू कर दिया जाएगा। RBI ने भी इसे लेकर एक गाइडलाइन जारी की है, जिसमें कहा गया है कि 1 जनवरी 2020 से पॉजिटिव पे सिस्टम को लागू कर दिया जाएगा ताकि चेक जारीकर्ता को पेमेंट के समय फर्जीवाड़े से बचने में मदद मिल सके। इस नए सिस्टम के तहत अब चेक जारीकर्ता को अकाउंट नंबर, चेक नंबर, चेक अमाउंट आदि के बारे में बैंक को जानकारी देनी होगी। SBI ने अपने ग्राहकों से कहा है कि वो पॉजिटिव पे सिस्टम का विकल्प चुनें। अगर उन्हें इस बारे में कोई जानकारी चाहिए तो वे नज़दीकी बैंक ब्रांच जाकर जान सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, कोरोना के नए स्ट्रेन पर भी वैक्सीन असरदार, डरने की बात नहीं। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना महामारी के नए स्ट्रेन ने चिंता बढ़ा दी है। भारत में भी इसकी एंट्री हो गई है। देश में कोरोना महामारी के नए स्ट्रेन के कुल 6 केस मिले हैं। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि कोरोना की वैक्सीन नए स्ट्रेन पर भी प्रभावी होगी। लोगों को नए स्ट्रेन से घबराने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वैक्सीन यूके और दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले वेरिएंट के खिलाफ काम करेगी। इस बात के कोई सबूत नहीं है कि वर्तमान वैक्सीन इन कोरोना वेरिएंट से बचाने में नाकाम रहेगी। तो वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि यूके वेरिएंट की खबर आने से पहले हमने प्रयोगशाला में लगभग 5,000 जीनोम विकसित किए थे, अब हम उस संख्या में काफ़ी वृद्धि करेंगे। बंगाल में बोली ममता बनर्जी, कहा MLA खरीदने से खत्म नहीं होगी TMC, पार्टी कैसे बनी पहले जाकर पता करो। जी हां, पश्चिम बंगाल के CM ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा जुबानी हमला बोला है। राज्य के बीरभूम जिला स्थित बोलपुर में एक रैली के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे विश्व भारती के खिलाफ की जा रही अपमानजनक टिप्पणी पसंद नहीं है। CM ने कहा कि बंगाल की संस्कृति को नष्ट करने के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, हिंसा और विभाजनकारी राजनीति बंद की जानी चाहिए। CM ने कहा कि सोचते हैं कि रुपए देकर विधायक खरीद लेंगे और TMC खत्म हो जाएगी, TMC कैसे बनी है पहले जाकर ये देख लो। TMC मुखिया ने कहा कि विश्व भारती में राजीव गांधी मुझे लेकर आए थे, राजीव गांधी यंग थे और छात्रों से प्यार करते थे, विश्व भारती की उस समय मैं सदस्य थी, विश्व भारती को केंद्र में लाकर राजनीति हो रही है, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। बनर्जी ने कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जिस दिन रचना की थी आमार सुनार बांग्ला, उसी दिन सब कुछ हो गया था, अब हमें किसी को नहीं चाहिए। RJD का नीतीश कुमार को खुला ऑफर, तेजस्वी को बना दे CM, आपको 2024 का PM बना देंगे।
जहां बिहार में सत्ता चला रहे एनडीए गठबंधन में तनातनी की खबरें मिल रही हैं। अरुणाचल प्रदेश में जदयू के 6 विधायकों के भाजपा में शामिल होने के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा स्पीकर उदय नारायण चौधरी ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सीएम बना दें तो पार्टी उनको 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देगी। बिहार में भाजपा ने ज्यादा सीटें हासिल करने के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री को गद्दी पर जो बैठा दिया है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में जदयू विधायकों के भाजपा में शामिल होने के बाद से इस बात की आहट मिलने शुरू हो गई है कि कहीं भाजपा उन्हें पीछे का दरवाजा न दिखा दे। यही वजह है कि राजद ने अब जदयू पर डोरे डालना शुरू कर दिया है। लव्जिहाद के खिलाफ मध्य प्रदेश कैबिनेट में अध्यादेश पास, राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया। जी हां, उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनने जा रहा है। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को मंजूरी दे दी है और अब इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए आगे भेज दिया गया है। मध्य प्रदेश कैबिनेट में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को अपनी मंजूरी दी गई। मध्य प्रदेश से पहले उत्तर प्रदेश में भी लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है और वहां पर नया कानून बनने के बाद लव जिहाद के कुछ मामलों में कार्रवाई भी की गई है। इस कानून में शादी तथा किसी अन्य कपटपूर्ण तरीके से किए गए धर्मांतरण के मामले में अधिकतम 10 साल की कैद और 1,00,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दिल्ली के छात्रों को 6 महीने तक राशन मिलेगा, 8,00,000 परिवारों को फायदा होगा। सीएम केजरीवाल बोले, भूखा नहीं रहने देंगे। जी हां, दिल्ली सरकार मध्याह्न भोजन योजना के तहत अपने छात्रों को 6 महीने तक सूखा राशन देगी। कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण स्कूलों के मार्च से बंद होने के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि किसी भी छात्र को भूखा नहीं रहने देंगे। दिल्ली के मंडावली इलाके के एक सरकारी स्कूल में सूखा राशन बांटने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में केजरीवाल ने कहा कि जब स्कूल बंद थे तो हमने मध्याह्न भोजन योजना के लिए अभिभावकों को पैसे भेजने का फैसला किया था, लेकिन अब हमने छात्रों को 6 महीने तक सूखा राशन देने का निर्णय लिया है। कोविड-19 के मद्देनजर मार्च से ही देश भर में स्कूल बंद हैं। 15 अक्टूबर को कुछ राज्यों में आंशिक रूप से स्कूल खोले गए थे। दिल्ली सरकार ने हालांकि कहा है कि कोरोना का टीका आने तक राष्ट्रीय राजधानी में स्कूल नहीं खुलेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने लव जिहाद पर कहा, संविधान में कहीं भी इसकी कोई परिभाषा नहीं। जी हां, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि संविधान में कहीं भी लव जिहाद की कोई परिभाषा नहीं है। भाजपा शासित राज्य लव जिहाद कानूनों के माध्यम से संविधान का मजाक बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा शासित राज्य कानून बनाना चाहते हैं तो उन्हें MSP के लिए कानून बनाना चाहिए और रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए। लव जिहाद पर ओवैसी ने कहा कि न्यायालयों ने दोहराया है कि भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद 21, 14 और 25 के तहत किसी भी भारतीय नागरिक के व्यक्तिगत जीवन में किसी भी सरकार की कोई भूमिका नहीं है। भाजपा स्पष्ट रूप से संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने में लिप्त है। गुजरात भाजपा सांसद मनसुख वसावा ने छोड़ी पार्टी, प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा, इंसान से गलती हो जाती है। जी हां, गुजरात के भरूच से भारतीय जनता पार्टी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनसुख वसावा ने भारतीय जनता पार्टी से त्यागपत्र दे दिया है। उन्होंने गुजरात भाजपा अध्यक्ष RR पाटिल को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। मनसुख वसावा का त्यागपत्र गुजरात भाजपा के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि उन्होंने किस वजह से त्यागपत्र दिया है इसके बारे में तो अभी तक स्पष्ट रूप से पता नहीं चल सका है। गुजरात भाजपा अध्यक्ष को लिखे गए पत्र में मनसुख वसावा ने लिखा कि उन्होंने पार्टी के साथ वफादारी निभाई है तथा पार्टी और जिंदगी के सिद्धांत का पालन करने में बहुत सावधानी रखी है, लेकिन आखिरकार मैं एक इंसान हूँ और इंसान से गलती हो जाती है, इसलिए मैं पार्टी से इस्तीफा देता हूँ। अपने त्यागपत्र में मनसुख वसावा ने यह भी लिखा है कि लोकसभा का अगला सत्र शुरू होते ही वे सांसद के पद से भी त्यागपत्र दे देंगे। तेजस्वी यादव का CM-PM के ऑफर पर आया बयान, बोले नीतीश कुमार तय करें कि क्या करना है। जी हां, बिहार में राजनीतिक पारा एक बार फिर चढ़ने लगा है, बयानबाजियों का दौर फिर से शुरू हो गया है।
राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी के प्रस्ताव को तेजस्वी यादव ने उनका निजी बयान बताया। नीतीश कुमार ने जनादेश का अपमान कर रहे हैं, वे महागठबंधन से खुद ही निकले थे लेकिन आज भाजपा के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। इस बाबत तेजस्वी यादव का कहना है कि भाजपा पर दबाव बनाने के लिए नीतीश कुमार द्वारा अध्यक्ष पद को छोड़ा गया। ऐसा इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार तीन तलाक, किसान कानून, CA NRC का समर्थन कर रहे हैं और अब लव जिहाद के खिलाफ अलग दिखने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा और जदयू के बीच केवल एक समझौता था, कोई गठबंधन नहीं था। भाजपा एक सांप्रदायिक ताकत है जिसको बिहार में फलने फूलने का मौका नीतीश कुमार ने दिया। अब नीतीश ही तय करें कि उन्हें क्या करना है। आज का माइट कुछ क्वेश्चन आ चुका है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? आप इस सवाल का जवाब जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में दे दीजिए और अगर आपने अभी तक जियो न्यूज को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो मिलते हैं दोपहर और दिन भर की खबरों के साथ, अभी के लिए धन्यवाद।